त्वं हिनः पिता वसुः त्वं माता शतक्रतो बभूविथः अधा ते सोम्नमेमहे आदरणीय महाशय धर्मपाल जी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती शीला दीक्षित जी सम्मानित भाई ब्रह्मचारी राज सिंह आर्य जी विनय जी सुरेंद्र जी मंच पर बैठे मेरे सभी पूजनीय सन्यासी वृंद देवियों और सज्जनों मैं भाई राज सिंह जी और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन आर्यों का यहां पर किया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और हम उधर से आ रहे थे, आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं लगभग उतने ही बाहर हैं इस समय, सिक्योरिटी की वजह से जल्दी जल्दी आ नहीं पा रहे। तो मैं कह सकता हूँ कि आर्यों का ये महाकुंभ अपने आप में बहुत अद्भुत है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने जहाँ समाज पर बहुत अधिक उपकार किए वहाँ एक सबसे बड़ा उपकार जो मैं मानता हूँ वो है हमें वेदार्थ करना उन्होंने सिखाया। उनसे पहले वेदों को गडरियों के गीत कहा जाता था, लेकिन महर्षि ने हमें सिखाया कि वेदों का अर्थ कैसे किया जा सकता है। एक छोटा सा मंत्र मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप जरा सोचिए किस किस तरह के अर्थ स्वामी दयानंद जी महाराज से पहले होते थे। चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासुस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवेति महोदेवो मर्त्या आविवेश। यदि इसको मोटा सा अर्थ इसका करें बिना वैदिक व्याकरण के इसका अर्थ ठीक नहीं हो सकता है। थोड़ी सी संस्कृत जानने वाला व्यक्ति तो यही कहेगा कि ऐसा बैल जिसके चार सींग हैं, तीन जिसके पैर हैं, दो जिसके सिर हैं, सात जिसके हाथ हैं, ऐसा बैल तीन जगह से बांध दिया गया है और वो चिंघाड़ रहा है, शोर मचा रहा है और उसको ये डर है कि कभी उसकी बलि न दे दी जाए, दोहरा आक्रमण किया है। एक तो बलि होती है ये सिद्ध किया अंग्रेजों ने, और दूसरा इसका अर्थ गलत किया। आप आर्य समाजी हैं बहुत सारे, आप सब जानते हैं कि क्या अर्थ हो सकता है। ये सबसे बड़ा उपकार, कम से कम मैं तो ये मानता हूं कि महर्षि दयानंद का सबसे बड़ा उपकार है, जहां उन्होंने खुद वेदार्थ करने के लिए कलम उठाई वहां हमें भी मार्ग दिखलाया, सन्मार्ग दिखलाया। और आर्य समाज के अनेक विद्वानों ने फिर ठीक ठीक भाष्य वेदों के किए। आप जानते हैं इस समय भ्रूण हत्या का बहुत अधिक प्रचलन है और महर्षि स्वामी दयानंद जी के महाराज के समय में इसी तरह का एक पाप समाज में प्रचलित था।
कन्या के होते ही उसको उठाकर जमीन पर पटक के मार दिया जाता था और कोई पूछने वाला नहीं होता था। स्वामी दयानंद जी महाराज और राममोहन राय जी ने इसको बंद करवाया। ये उनका दूसरा बड़ा उपकार आर्य समाज पर था। बड़े अल्हड़ किस्म के बहुत ही गंभीर महर्षि स्वामी दयानंद जी थे। कोई भी व्यक्ति जिस बात को नहीं कह सकता था वो स्वामी दयानंद जी कह देते थे। एक बार कुछ लोगों ने भीष्म पितामह से पूछा, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चल रहा था, और पूछा कि महाराज आप कौरवों की तरफ अन्याय की तरफ क्यों है? तो क्या जवाब दिया दादा ने, अर्थस्य पुरुषो दास है, दासस्तु अर्थो न कस्यचित, तस्माद् अपरिहार्य अर्थे बद्धोस्मि अर्थे ने कौरवई। कि अर्थ जो है वो हर व्यक्ति को बांध लेता है और मैं भी बंधा हुआ हूं, अपरिहार्य अर्थ से बंधा हुआ हूं। इतने बड़े बड़े महापुरुष जब अर्थ की जकड़ में आ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होती है। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद जी का ये बहुत बड़ा काम था, न पद प्रतिष्ठा, न कोई और लालसा, और न अर्थ से वो कभी बंधे। आप जानते हैं उनकी सब जीवन की घटनाओं को। एक राजा के यहाँ जहाँ खुद रह रहे थे, उसकी सेवा ले रहे थे, खान पान वहीं होता था, उसको ये कह देना कि कुतिया और शेर का क्या संबंध है, इतनी बड़ी बात बिरला ही कह सकता है। और ये खूबी स्वामी दयानंद जी महाराज में थी। बहुत सारी बातें हैं इस समय हमारे समाज में प्रचलित हैं, उनमें हम सबको आर्य समाज को आगे आना चाहिए और समाज के भले के लिए, राष्ट्र के भले के लिए हमें कार्य करना चाहिए। एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। एक बात और कह करके, महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथों में एक श्लोक उद्धृत किया है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मन है स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। आप सब भी जानते होंगे इसको। यहाँ के राजा दोनों हाथ उठा करके घोषणा करते थे कि मेरे देश में दुनिया भर के लोग आकर के शिक्षा ग्रहण करें, और करते थे। मेगस्थनी जी यहाँ आए, वेनसांग यहाँ आए, फाहियान यहाँ आए, इत्सिंग यहाँ आए पढ़ने के लिए, अलबेरूनी यहाँ आए, न जाने कितने लोग आए। इत्सिंग जो चीन से आए थे वो 15 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े। 15 वर्ष बाद जब स्नातक बन करके गए तो उन्होंने चीन में भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। जब चीन में उनके शिष्य पैदा हो गए तो वो जापान चले गए, वहां किया। हमारे जो ग्रंथ थे, खास करके रामायण जिसको महर्षि स्वामी दयानंद जी बहुत मानते थे, उसके कारण हमने बृहत्तर भारत का निर्माण किया है, ग्रेटर इंडिया का निर्माण किया है। और रामायण आज कहाँ कहाँ है, उसमें आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सब देशों में रामायण आज भी भरपूर मात्रा में है। इंडोनेशिया एक देश है जहां 1% भी भारतीय नहीं है, सॉरी 1% भी हिंदू नहीं है। राज सिंह जी कहां गए?
1% भी हिंदू नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया वालों ने एक जगह तय कर रखी है जहां हर 40वें दिन रामायण का मंचन होता है, मुसलमान रामायण का मंचन करते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारा कितना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। फिर किसी समय दूसरी बातें करेंगे। मैं आभारी हूं आप सबका, आपने सुना, और विशेष करके भाई राज सिंह जी और उनकी टीम का, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर किया है। धन्यवाद।